हाय, दिस इज निशांत चौहान। और आज हम जो बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स जो आपके फिजिक्स में यूज किए जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम एक एक्सपेंशन है, सीरीज एक्सपेंशन टाइप, दैट इज 1 प्लस एक्स की होल पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली टर्म्स ऐसी बढ़ती जाएंगी आपकी। अगर x का मैग्नीट्यूड 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है तो आप हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, ये बचेगा आपका 1 प्लस x के होल पावर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 प्लस nx। यहां पे एक टर्म आई फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, सपोज आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 का फैक्टोरियल होगा आपका 5 * 4 * 3 * 2 * 1। इसी तरीके से अगर सपोज करो आपको 8 का फैक्टोरियल निकालना है तो होगा आपका 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1। आप मल्टीप्लाई अप टू 1 करेंगे। सेकंड बात करते हैं कुछ log रिलेटेड फॉर्मूले, जिसमें सबसे पहले आता है log mn equals to log m plus log n, log m upon n equals to log m minus log n, log m power n, तो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी n log m, और यहां पर आपका बेस ट्रांसफॉर्मेशन है log base a m equals to बेस चेंज कर हमने log base b m मल्टीप्लाइड बाय log base a into b। ये आपका पर्टिकुलर कॉमन पार्ट है जो बेस ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। किसी भी कांस्टेंट, ये सिंबल होता है पर d / dx डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है। दो चीज होती है आपकी, एक तो डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है आपका कम करना और इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है आपका सम करना। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन आपका जीरो होता है। सपोज कोई कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ साथ वेरिएबल भी है तो कांस्टेंट आपका डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और जो क्वांटिटी उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका। x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x पावर n माइनस 1। अगर दो क्वांटिटी प्रोडक्ट है तो यहां पर प्रोडक्ट रूल यूज होगा। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वांटिटी ऐसी रहेगी सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड क्वांटिटी ऐसी रहेगी आपका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अगर वो डिवाइड की फॉर्म में है तो नीचे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर ऊपर आपका नॉमिनेटर में आएगा आपका फर्स्ट क्वांटिटी, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी एज इट इज, नॉमिनेटर वाली का डिफरेंशिएशन माइनस यू इंटू डीवी अपॉन डीएक्स। लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका 1 अपॉन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, cos x का minus sin x, और tan x का होता है sec square x। इसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन को देखें तो dx का इंटीग्रेशन होता है x। अब यहां पर प्लस में c लिखा गया, c है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उन पर्टिकुलर केस में यूज किया जाता है जहां पर आपकी कोई पर्टिकुलर लिमिट गिवन हो आपकी। ऐसे ही आपका x पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर n plus 1 upon n plus 1, 1 upon x का इंटीग्रेशन log x, sin x का इंटीग्रेशन minus cos x का sin x, sec square x का tan x, e पावर x का e की पावर x होगा। जैसे आपने देखा कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही है, साथ-साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। सिमिलरली जो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है d / dx e की पावर x, वो भी आपका e की पावर x होता है। दैट मींस एक्सपोनेंशियल पावर x में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप इंटीग्रेशन करिए चाहे आप डिफरेंशिएशन करिए। यहां पर देखते हैं क्या आता है फिर इसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रल। यहां पर क्या, मैंने एक फंक्शन मान लिया x का जिसका इंटीग्रेशन हम dx से रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और इस फंक्शन की लिमिट हमने a से b तक मान ली। सपोज आफ्टर इंटीग्रेशन द फंक्शन की वैल्यू है आपकी phi of x, लिमिट आपकी वही a से b। इसमें लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले आपने x की जगह b रखा माइनस फिर आपने x की जगह a रखा। आइए कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज x पावर 3 है और ये dx है, लिमिट a की 1 से लेके 2 तक। तो देखिए यहां से x पावर 3 की बात करते हैं तो यहां पर x पावर n है, x पावर n का फॉर्मूला होता है आपका x पावर n plus 1 upon n plus 1। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x पावर 3 plus 1 upon 3 plus 1 और इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो 1 से लेके 2 तक। आपने देखा लिमिट ऐसी मेंटेन रहती है। अब इसके बाद में हम पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका सॉल्व करके हो गया x पावर 4 upon 4, लिमिट है इसकी 1 से लेके 2 तक। देन आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू x की जगह आप 2 रखेंगे दैट मींस 2 पावर 4 अपॉन 4 माइनस x की जगह रखेंगे 1 पावर 4 अपॉन 4। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने लिमिट रखा, देखा सबसे पहले हम रखते हैं अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। सेम एज एक क्वेश्चन अगर डिफरेंशिएशन का देखेगा x पावर n है सपोज करो, अब मुझे सेकंड टर्म मुझे x पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है तो मैं फार्मूला यूज करूंगा कौन सा वाला, ये वाला। इसमें n स्टार्टिंग में है, पावर स्टार्टिंग में आती है x पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपको कितना 3x पावर 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वायर। इसके अलावा कुछ बेसिक फॉर्मूले और हैं जिन्हें हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। इसी तरीके से हमसे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।